नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। मोदी सरकार में इतनी कद्दावर मंत्री होने के बावजूद स्मृति ईरानी यूपी के अमेठी में जाकर, अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? मानो वो सत्ता पक्ष की नहीं विपक्ष की नेता हैं। एक गरीब शिकायत लेकर आता है स्मृति ईरानी के पास कि मैडम, लेखपाल साहब मेरी जमीन पर कब्जा करवा रहे हैं। स्मृति ईरानी लेखपाल को बुलाती है, उन्हें फटकार लगाती है और धरने की धमकी देती है। मतलब इतनी बड़ी नेता है, कद्दावर मंत्री हैं, अपनी ही डबल इंजन की सरकार है और अधिकारी को धरने की धमकी देती हैं। और इसे लेकर एक लड़का कमेंट पास कर देता है, क्या सीन होता है अमेठी में, जरा ये वीडियो देखिए। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे? आधे घंटे में खाली करा भैया, वरना जमीन के सामने मैं आके बैठ जाऊंगी। अरे मैडम जी बैठ जाइए, मैम बैठिए। भैया चलने वाले नेता है, तुम्हारी तरह बैठने वाले नहीं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सिर्फ लेखपाल, मैं सिर्फ सांसद हूँ, ठेकेदार नहीं हूँ। आज नौकरी है, कल ये सारी चिल्लाहट होगी ना जनता से, नहीं रहेगी। हम नौकर हैं, लोगों का मालिक नहीं है। अगली बार धौंस ना जमाना करें, आधे घंटे में खाली करा। तो स्मृति ईरानी लेखपाल को कहती है कि आधे घंटे के अंदर जमीन खाली कराइए। गरीब का काम तो स्मृति ईरानी ने कर दिया, लेकिन ऐसे लेखपाल से क्या इस अंदाज में बात करनी चाहिए? अगर लेखपाल ने गलत किया है, अगर किसी की जमीन पर गलत कब्जा करवाया जा रहा है, स्मृति ईरानी उन्हें कहती है कि आप मालिक नहीं है, नौकर हैं। अगर लेखपाल साहब गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार में कद्दावर मंत्री है स्मृति ईरानी, डबल इंजन की सरकार है, तो इतनी बड़ी मंत्री एक अधिकारी के सामने ऐसे रिक्वेस्ट करे शोभा नहीं देता। ऐसे अल्टीमेटम दे कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं धरने पर बैठ जाऊंगी। मैडम, आपको धरने पर बैठने की क्या जरूरत है? आपके पास पावर है, सत्ता है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर गरीब के आरोप में सच्चाई है तो। और लेखपाल हां में हां भर रहा है, यानी दाल में कुछ तो काला है। तो क्या स्मृति ईरानी को कोई कार्रवाई का आदेश देना चाहिए था, या फिर इस तरह अपनी ही सरकार में अधिकारी को अल्टीमेटम देना चाहिए था? और इसे लेकर यह लड़का कमेंट पास करता है कि मैडम, धरने पर बैठना है तो बैठ जाइए। फिर स्मृति ईरानी कहती है कि तुम्हारे नेता की तरह नहीं हूं, चलने फिरने वाली नेता हूं, बैठने वाली नेता नहीं हूं। तो यह कमेंट पास करके स्मृति ईरानी अधिकारी को कहती है कि आधे घंटे में जमीन खाली कराइए। अच्छा हुआ कि मैडम ने गरीब का काम किया है, लेकिन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच भी होनी चाहिए। हालांकि लड़के को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी के हो, चाहे आप उनकी विचारधारा से सहमत हो या ना हो, इस तरह मजे नहीं लेने चाहिए। आप स्मृति ईरानी के इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।